सुबह जाते समय उस ट्रैवलर ने इन दो लोगों के एहसान को मानते हुए उन्हें पेमेंट किया और उसने उन्हें 8 कॉइन्स दिए सोने के और चला गया। अब ये दो मित्रों में झगड़ा इस बात का कि ये कॉइन डिवाइड कैसे करें, कॉइन के तो 24 टुकड़े नहीं कर सकते। तो पहला वाला बोला कि हाफ हाफ, आधा तेरा आधा मेरा। दूसरा बोला वाह, तेरी 3 रोटी थी मेरी 5, आधा आधा कैसे, 5 कॉइन मेरे 3 तेरे, फेयरनेस कौन सी लग रही है, 4-4 वाली कि 5-3 वाली? 5-3 वाली भी फेयर नहीं है क्योंकि ये आपका दृष्टिकोण है, इंजीनियरिंग दृष्टिकोण। अभी मैं प्रूफ करता हूं कि दृष्टिकोण अगर चेंज नहीं करेंगे तो गॉडहुड अचीव नहीं कर पाएंगे, यूनिक थॉट प्रोसेस नहीं होगी तो नहीं समझ पाएंगे। तो ये दोनों लोग उसी मंदिर के पुजारी के पास गए कि हमारी ये समस्या है, जरा आप बताइए कि हम इन कॉइन्स को कैसे डिवाइड करें, 4-4 में कि 5-3 में। पुजारी बोला भाई सोचने दो, कल आना। ठीक है, पुजारी भी भगवान के पास बैठ गया कि सर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। वो पुजारी SPIT का स्टूडेंट था, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। तो भगवान ने रात में सपने में आकर उस पुजारी से पूछा कि भाई समस्या क्या है। पुजारी ने समस्या बताई तो भगवान ने कहा ना 5-3 ना 4-4, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी 1:7। पुजारी की समझ में, भगवान ये कैसा? उसको लगा कि जिसको भगवान 7 दे रहे क्या वो ज्यादा पूजा करता है भगवान की, भगवान भी अनफेयर हो रहे हैं। भगवान ये समझ नहीं आया 1:7 कैसे। भगवान ने कहा सिंपल है, जिसकी 3 रोटी थी उसने 3 टुकड़े किए तो कितनी रोटी हुई, कितने टुकड़े हुए, 9, और 24 / 3 = 8, तो 9 में से 8 टुकड़े तो वो खुद ही खा गया। ट्रैवलर को कितना टुकड़ा दिया, सो ही इज एंटाइटल्ड फॉर 1 कॉइन। और जिसके पास 5 रोटी थी उसने 3 टुकड़े किए तो कितने बने, 15। जिसके पास 5 रोटी थी 3 टुकड़े बने 15, 15 में से 8 उसने खाई और 7 किसको दी, ट्रेवलर को, तो 7 कॉइन उसके। है ना न्याय? तो जब तक आप अपनी सोच में वो यूनिकनेस नहीं लाएंगे आप डिफरेंट नहीं बनेंगे। यू हैव टू बी एब्सोल्यूटली फेयर, यू हैव टू बी एब्सोल्यूटली लॉजिकल एंड करेक्ट इन योर पर्सपेक्टिव। Now coming to the little theoretical part, we'll demonstrate you about the Ved-Vedant. I'll request, yeah. Ved is basically, the meaning, the word Ved emerges out of the word Vid. Vid ka matlab hota hai gyan. Vid ka matlab hota hai gyan. Hum kisi ko jab kehte hain, ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, मतलब ज्ञानवान व्यक्ति है, कहते हैं ना। तो विद से एमर्ज हुआ वेद। विद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज। सो बेसिकली वेद मींस नॉलेज। वेद कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अगर आपके मन में है कि किसी धर्म का यह ग्रंथ है तो नहीं है। वेद मींस नॉलेज, प्योर एंड सिंपल नॉलेज। अब आगे अगर हम बढ़े तो वेद बेसिकली नॉलेज एक ही होती है,
लेकिन नॉलेज के क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। ऐसे ही महर्षि वेदव्यास ने इस वेद को चार हिस्से में डिवाइड किया और उन चार हिस्सों को चार हिस्सों में डिवाइड। पहला वेद है ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। कहा जाता है ऋग्वेद की उम्र लगभग 5000 साल पुरानी है, या उससे भी प्राचीन, बिटवीन 5 to 7000 BC। उसके बाद आता है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ये चार वेद हैं जिन्होंने हमारे नॉलेज को महर्षि वेदव्यास ने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में रख दिया। बेसिकली नॉलेज इज नॉलेज, चाहे वो किसी भी फील्ड के। चार उपवेद भी हैं। चार वेद मैंने बताए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और चार उपवेद हैं। पहला है आयुर्वेद, अच्छा इसमें इन्होंने धनुर्वेद, पहला धनुर्वेद लिखा है, जो कि धनुर्वेद वॉज बेसिकली द नॉलेज ऑफ वॉरफेयर, बिकॉज एट दैट एरा वॉरफेयर वॉज थ्रू आर्चरी। तो युद्ध कला धनुर्वेद में हमको मिलती है। दूसरा है आयुर्वेद, आयुर्वेद इज मेडिकल साइंस, हमारी प्राचीनतम मेडिकल साइंस आपको आयुर्वेद में मिलती है। तीसरा है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद इज सांसारिक जीवन को जीने की कला, आपको गंधर्व वेद में मिलती है। और चौथा है स्थापत्य वेद, स्थापत्य वेद इज विच इन टुडेज वर्ल्ड इज कॉल्ड द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर स्थापत्य वेद में हमको प्राचीन आर्किटेक्चर नॉलेज मिलती है। ये चार उपवेद हैं। इसके बाद है वेदांत। कहा जाता है कि अगर वेद नॉलेज है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का एपिटोम है, तो द अल्टीमेट नॉलेज इज वेदांत, जो नॉलेज का भी अंत है। नॉलेज का अंत मतलब जो ऐसा सत्य है जो कभी बदल ही नहीं सकता, ऐसे सत्य की नॉलेज जो कभी बदलने वाला नहीं है। ऐसा कोई सत्य आपको पता है जो कभी बदलने वाला नहीं है? हाँ बताइए जी। हाँ क्या नाम बेटा आपका? मानसी के लिए क्लैप कीजिए, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। मानसी ने बताया जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही पड़ेगा। ये वेदांत है, ये अल्टीमेट नॉलेज है। लेकिन कमाल की बात मानसी ये है कि ये बात लोगों के मानस में बैठती नहीं, सबको लग रहा है मैं तो नहीं जाऊंगा, और हमारे पॉलिटिशियंस को कुछ ज्यादा ही लग रहा है, वो तो इतना खट्टा कर रहे हैं कि उनको तो कहीं जाना ही नहीं ऐसा लग रहा है। तो ये जो मानसी ने बताया इस तरह के सत्य, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सत्य कभी नहीं बदलने वाला, ये वेदांत है, नॉलेज का एंड, जो सनातन है, निरंतर है। सनातन मतलब निरंतर, रेगुलर, पीढ़ियों दर पीढ़ी समय काल का चक्र घूमता रहेगा लेकिन ये सत्य नहीं बदलेगा। तो जो सत्य निरंतर है वो सनातन है, और जो इन सत्य को मानने वाले हैं उन्होंने अपने आप को सनातन धर्म को मानने वाला मान लिया। बिकॉज वर्ल्ड में अगर आप वेदों के पीछे तक चले जाएं तो हिंदू धर्म कुछ मिलता नहीं, देयर इज नो हिंदू वर्ड इन द एंटायर वेद। हिंदू तो
अलेक्जेंडर के टाइम के बाद से मिलता है, जिन्होंने सिंधु एक नदी थी, वो सिंधु नदी के इस पार वाली टेरिटरी में रहने वाले सिंधुवासी, तो वो सिंधु बिगड़ते बिगड़ते हिंदू हो गया। वरना वेद जो प्राचीन है उसमें तो हिंदू विंदू कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ नॉलेज है, देर इज नो धर्म, देर इज नथिंग। और वो नॉलेज जो लगातार है, निरंतर है, सनातन है, उस नॉलेज को मानने वाले सनातन। तो वेदांत जो हैं, उनको हम उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद वैसे तो लगभग 200 से ऊपर कहे जाते हैं, पर वर्तमान समय में सिर्फ 11 मिलते हैं, बाकी सारे उपनिषद विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर अटैक किया, इन्वेजन्स किया, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया। तो 200 में से सिर्फ 11 उपनिषद हमको मिलते हैं, और वो 11 उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद पहला है, फर्स्ट इज ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कठ उपनिषद, जिसको हम कोलोकुल लैंग्वेज में कठोपनिषद भी कहते हैं। कठ उपनिषद को कंबाइन करेंगे तो कठोपनिषद प्रोनाउंसिएशन निकलता है, बट इट इज एक्चुअली कठोपनिषद। तीसरा है केन उपनिषद, चौथा है प्रश्न उपनिषद। ईशावास्य, कठ, केन, प्रश्न। पांचवा ऐतरीय उपनिषद, छठवां तैतरीय उपनिषद। ऐतरीय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद। सातवां है मुंडक उपनिषद, और आठवां है मांडुक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। नौवां चांदोपनिषद, दसवां है बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, और ग्यारहवां है श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो 200 उपनिषद के स्टॉक में से सिर्फ 11 वर्तमान समय में पाए जा रहे हैं, बाकी सब विलुप्त हो गए। और ये 11 उपनिषदों की नॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट नॉलेज विच इज नेवर गोइंग टू चेंज। पीपल में कम, पीपल में गो, बट द नॉलेज रिमेन्स।